शीर्षक बा हवस का पुजारी। चार लाइन भूमिका का भाव है, कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखे। चल पड़ा कारवाया जी अपराधिका, जिनके पैरों तले आबरू है सिसकती, जुर्म ही जुल्मियों का बना लक्ष्य है, फंस के आगोश में है मनवता मचलती, धर्म धूलित किया पाप के पंख में, अंक में भीच कर एक जालिम जवान ने, तो दिन कर जला कर कखल कामियों को मिटा दो धरा से तू जुल्मी कहानी। एक लाइन यहाँ कव्वाली का टुकड़ा दिखल गई मास्टर, ये भोजपुरी कव्वाली बाप। हमरी भौजी बोली हमसे, हमरी भौजी बोली हमसे, एगो चुम्मा दे दे राजा, भौजी बोली हमसे, एगो चुम्मा दे दे राजा, हमरी भौजी बोली हमसे, एगो चुम्मा दे दे राजा, भौजी बोली हमसे, हमरी भौजी बोली हमसे, एगो चुम्मा दे दे राजा, हमरा दिल है तुम पे राजी, हमरा दिल है तुम पे राजी, चाहे रोज बजाए बाजा, भाव दिखल गई। मानवता बिलख रही है, मानवता बिलख रही है, कैसे अब रहूं मैं जिंदा, मानवता बिलख रही है, कैसे अब रहूं मैं जिंदा, मानवता बिलख रही है, कैसे अब रहूं मैं जिंदा, मानवता बिलख रही है, मानवता बिलख रही है, कैसे अब रहूं मैं जिंदा, अस्मत पर दाग लगाते, अस्मत पर दाग लगाते, जाहिल सयाद दरिंदा, लग गए एक लाइन नजम मास्टर साहब। बाबा जियो जियो लाल, जिला बनारस में एक चोलापुर थाना है, वही रघुनाथपुर चकरमा का अपसाना, हंसी खुशी से दिन गुजरता था बखरिया में,
भैया तनी सा बात समझ ला। ए चोलापुर थाना अंतर्गत एक गांव बा रघुनाथपुर चकरमा। रघुनाथपुर चकरमा के रहे वाला बहुत चर्चित व्यक्ति वकील साहब, उनके परिवार में चार ठे बेटवा, जेमे पेपर के दौरान ये बात मिलल कि चौथका बेटा 6 महीना का बताया गया। दुल्हन का नाम कमला, जितना ही बढ़िया नाम था कमला उतना ही बढ़िया और सुंदर थी। इतनी सभ्य और सुशील औरत थी दोस्तों कमला, लेकिन भगवान के माया के तूफान बड़ा बरियार वो परिवार पर आ गया। का तूफान आयल बताओ थी भैया। यह परिवार में बरियार तूफान आयल 26 मार्च के सन 99 के दिन। इस दिने में उनका चचेरा भाई वकील साहब का वो भाई के नाम ऋषिकेश बतावल गई। ऋषिकेश अपने दिल में ठे गंदा विचार ले लहलस, गंदा विचार कह के चल दहलस। ओकर संगत सोहबत बदल गई लहल, वही संगत सोहबत का असर जब पड़ल तो ओकर नियत भी बदल गई। नियत बदलल तो अपने दिल में ठे बात सोच के पहुंचल सिवान में। देखा कैलस का यहाँ एक लाइन तरज बदल गई मास्टर साहब। यह तरज बाप कि बोला कहीं आया इबू, कि बोला कहीं आया इबू कि घर वह बोला इबू चिखाई बू कि ना कबले हम के लाल चाई बूची खाई बूकिना, कबले हम लाल चाई बूची खाई बूकिना, कबले हम के लाल चाई बूची। लेकिन भाव दिहल गई यह भाव बाप कि दिलवा में पापी लेके, दिलवा में पापी लेके अपने यार मानवा की चाली भैलना, लूटब भाभी कई मानवा की चाली भैलना, छब्बीस मार्च शुक्रवार दूजी बाज दीना, पपी खलनायक बन के पाहू चल सिवाना, लेकर के ऋषिकेश सिवान में रहर के खेत में बैठ गल। सोचलस कि आज भाभी आएगी अगर इस सिवान में सरसों काटने के लिए तो मैं उसके साथ जरूर अपने दिल का अरमान पूरा करूंगा। सोच करके बैठा है, तब तक भगवान के माया 2 बजे के समय कमला अपने हाथ में हसुआ गांत लेके पहुंचलिन सरसों का कटाई करे बदे। जब ही सरसों का कटाई करत है तब तक देखा
रहर के खेत से निकल के वो नीच करत का हो। एक लाइन यहाँ गीत का नमूना दे गिल मास्टर यह गीत का नमूना हो। एक लड़की एक लड़का से कुछ चलत रहल। जब वो लड़का बिना देखले एकदम पगला जाए तब एक दिन अपने प्रेमिका से कहत हो का कहलस कि कह तू तारो रोज तोहरी गाली आईती जाईती तोहका बोलती हलो हलो हे चमक छलो कि कट बदे सरसो कमला खेतावा में आई हो योजना बनवले बामू दैया का सैया बनके जबरी उठा के लाया रहरी के बिचारा हो कर लिया इसके इस कमला को। कमला आवाक हो गई करे देवर बबुआ हमारे साथ आई कैसन गद्दारी करत हुआ हो। आखिरकार में तू दिन याद करा तो कि भर भर कटोरा के हम दूध पियोले है आया के हम भर अकवारी के धलेला ऐसन करत काहे हुआ बबुआ रोवत है बेचारी झरझर झरझर एक ठे बात रो के कहलस यह गीत का नमूना हो मास्टर एहू में प्रेमी कहलस अपने प्रेमिका से कि रोज एक ड्रेस में आवेलू मजा ना आवत बाबा तनी सा ड्रेस चेंज कर दे तू ले यह ड्रेस चेंज हो अच्छा तो दिखाऊ का कहलस प्रेमी कि गोरी तोरी मुस्की चावनिया हो कि गोरी तोरी मुस्की चावनिया हो सारा जिला हिला भाव दिहल गई कमला रो रही है बिचारी कि रोवे कमला धाई के पा यारिया हो आंसू भर नजरिया बड़ी मार्के के बाद कहलीन कमला यही से कहला गई हो कि अबला सहाय देखा का कहली नो समय कि कवने गुना मोरी कि कवने गुना मोरी लूटे लाई जतिया
दौलतिया हो दान दौलतिया बचाइला वकील के पा गरिया हो आंसू भर नजरिया ए भैया बड़ी बेचारी रोवत रोवत घबरा गई लेकिन वो नीच के तन को दया आई ना कलस की रे बबुआ तू दिन याद करा भर भर कटोरा के तुके दूध पियौले है तुहार भाभी है कहल गई हो कि भाभी के मतारी के समान समझे के चाहिए लेकिन आज तुहार नियत हमरे पे गंदा हो गई तनको तुहरे दया ना आवत है कहलस की आखिर हम तुहार कौन गलती कैले है कि हमरे साथ ऐसा गद्दारी करत हुआ बाबा। तब तक उस नीच को दया नहीं आई दोस्तों काम के वसीभूत हो चुका था कपारे पर पाप सवार हो चुका था देखे वो नीच किया क्या बिरहा के अंदर की लाइन तेरी के बहाव बा मास्टर अरे मोरे राम दिवाकर भी शर्मा के रह गया धर्म को मसल दिया तब खूनी हाथ बढ़ाकर दिवाकर भी शर्मा के उस कलयुगी हैवान के अंदर जरा सा भी दया नहीं आई दोस्तों अपनी भाभी कमला की इज्जत को लूट ही लिया जब इज्जत लूट लिया कमला इस दुनिया से बर्बाद हो गई अब कुछ बचा ही नहीं कमला रो रही है तड़प रही है कि मैं कैसे अब इस धरती पर अपना मुख दिखाऊंगी कैसे मैं अपने पति के सामने अपना मुख दिखाऊंगी कैसे मैं पूरे गाँव के लोग के सामने मुख दिखाऊंगी सोच रही है तड़प रही है उस गद्दार को दया नहीं आई दोस्तों लेकिन जब उसकी कामग्नि शांत हुई तो सोचने लगा कि आखिर बात अगर मैं इसके बाद पकड़ा जाऊंगा तो मेरी बहुत दुर्दशा होगी एक थे बात और सोच के कैलस का कमला के ऊपर देखते दूसर की गद्दारी करत हो कि कम के यगिनिया जा बुझल खल कमिया के अरे सिरवा पे नाचे लागल अब डरी के तू फना अब पकड़ा एक भया से उठाया लिया हंसुआ हो ए बाबू अरे कमल के काटल चाहे अब पपी गारा दनावा हाथ जोड़ी बोली कमला लाई जातिया अरे कम से छोड़ी देता अब हमारो पारा ना किले ले बबुआ जाबा हमारी जिंदगी अरे टूर हो जाइ हमारे अब गोदी कैला लाना कि लेकिन बेबिचारिया के छाती
हसुआ से कई दिया तिवारी बेई मनावा अच्छा तो बिरहा सुनने वाले प्रेमियों देखें वो गद्दार जब दया नहीं आई दूसर का काम यही किया जो हंसुआ लेकर के कमला घास काटने के लिए गई थी ना सरसों काटने के लिए गई थी ना कोई हंसुआ अपने हाथ में लेकर के कमला के गला में लगा दिया दोस्तों कमला हाथ जोड़ करके रो रो करके कह रही कि बबुआ अगर हमरे पर दया ना आवत है तो चारों बच्चन पर ध्यान दिया चारों बच्चन पर दया तो आवे के चाहिए जे में चौथ का बच्चा हमारे 6 महीना का है हम अभी चारपाई पर सुता के आई है वो बच्चा का भविष्य चारों बच्चन का भविष्य फंस जायी कैसे पार हुई बबुआ लेकिन उस गद्दार को दया नहीं आई दोस्तों हंसुआ का वार कर ही दिया जब हंसुआ का वार किया तो कमला इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी पहपट के अंदर लाइन मास्टर घटना भारी बात तड़पराई के तज दहली पर नवा घटना भारी बाप अब के लागी बचवन के गोहा नवा घटना भारी बाप बाबू उसी गांव का एक मनई जो है घास काटने के लिए उसी रहर के खेत के पास पहुंचा जब देख लिया कमला की लाश को आवाक हो गया कि अरे बाप रे बाप वकील साहब कितनी सब सुशील औरत कमला इसके साथ कौन दुर्व्यवहार ऐसा किया जाकर के गांव में खबर दिया दोस्तों पूरे गांव के लोग दौड़ पड़े इकट्ठा हो गए रहर के खेत में चारों बच्चों को भी लेकर के आए दोस्तों जो 6 महीना का बच्चा था उसे उसकी माँ के लाश के पास बैठा दिए उस बच्चे को क्या पता है 6 महीना का बच्चा अपनी माँ का अस्तन पकड़ करके पीने लगा लोग गांव के फूट फूट करके रो रहे हैं दोस्तों देखें उस समय जब चोलापुर थाना में खबर गई दरोगा साहब मौके पर पहुंच गए हुआ क्या आल्हा के अंदर प्रमाणवा मास्टर अरे जुगवा में रहला ए भैया ते जुगवा में रहला लाखना देवरवा ए भैया जासूसी भी मंगा लिए लेकिन खबर नहीं मिल पाई दोस्तों हत्यारे का पता नहीं लग पाया
अवाक हो गए लोग। दरोगा साहब उस लाश को उठवा करके ले गए चोलापुर थाना के अंतर्गत। थाना में बैठा करके लोग समूह लेकर के पहुंचे उस थाना के अंतर्गत। दोस्तों उसी में एक नई बात और आप लोग से बतावल चाहत थी कि जो इस केस मर्डर करके जो है इज्जत को लूट करके फरार हुआ था अपना कपड़ा वगैरह कचार के, अब फिर दोबारा जब गांव का लोग थाना अंतर्गत गईलन तो वही मेरे इसके सवा पीछे पीछे भी गयल। जैसे गांव का लोग रोवत हुआ वही में अपनो जाए के रोवत छाती पीट के भाभी के लाश पर गिर के, कोई के विश्वास ना हो था लेकिन फिर भी जोन गांव को मनई घसिया काटे दे के गल हलन उनके कुछ शंका भइल कि रिस्के सवा के देख ली है कि कले पर कुछ कपड़ा लत्ता अपन धोवत रहा हो सकेला, यह कुछ तना कैले हो। दरोगा साहब से कहलन कि बाबू दरोगा साहब इस लड़के से जरा पूछताछ कीजिए। दरोगा साहब उस लड़के को मार करके जब लगे पूछने तब तक डांट दिया, कहने लगा कि रे बाबू दरोगा साहब ये मेरी भाभी नहीं बल्कि ये मेरी माँ है, माँ के साथ ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तब तक पकड़ के दरोगा साहब उल्टा टंगवा के अपने गाड़ी में से पेट्रोल मंगाए के आओकरे जुनबा टट्टी के रास्ते पेट्रोल डाल दहलन, सारी भेद को खोल दिया। जब सारी भेद को खोल दिया तो अंतिम लाइन लगल मास्टर साहब, गंदा भयल समाज अब कोई ना महानी रसिया काशी की अखिया प्यासी दिवाकर भी शर्मा के रह गया, खाजा छोटलाल कब